गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी विल आर रीड साइंस बुक सो अपॉन दिस चैप्टर फर्स्ट। हमने यहाँ तक कर लिया था, आज नेक्स्ट रीड करेंगे पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, मतलब कि प्लांट्स मीन होते हैं पौधे, इसके पार्ट्स के बारे में समझेंगे। ओके यस स्टार्ट। ए प्लांट हैज टू मेन पार्ट्स। एक प्लांट में कितने पार्ट्स होते हैं? टू, द स्टेम एंड द रूट। यहाँ देख सकते हो ये एक प्लांट की पिक्चर दी हुई है, पौधे की है। तो इसके मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? एक तो स्टेम, स्टेम मीन होता है तना, जो ये है, और रूट मीन होती है जड़। ओके, द स्टेम इज अबव द ग्राउंड। द स्टेम इज अबव मतलब होता है ऊपर, ये कहाँ होता है? ग्राउंड के ऊपर होता है। यहाँ देख सकते हैं ये ग्राउंड है, जमीन, इसके ऊपर होता है ये। इट हैज लीव्स, इसमें क्या क्या होती हैं? लीव्स मतलब पत्तियाँ, फ्लावर्स मीन फूल, एंड फ्रूट्स मतलब कि फल, अटैच्ड टू इट। ओके, इसके अंदर लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं। द रूट्स आर बिलो द ग्राउंड, और जो रूट्स जड़े होती हैं वो जमीन के नीचे होती हैं। नंबर वन रूट्स, तो रूट्स मीन जड़ होती है। रूट्स होल्ड द प्लांट इन टू द सॉइल, रूट्स जो होती हैं पेड़ की जड़ें वो सॉइल में होती हैं होल्ड की हुई। पिक्चर में देख सकते हैं ये जड़ हैं, ये इसके अंदर होती हैं इस तरीके से जमीन में लगी हुई। दे ऑल्सो अब्जॉर्ब वाटर, और ये अब्जॉर्ब करती हैं वाटर मतलब पानी, एंड न्यूट्रिएंट्स मतलब खाना, फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी के अंदर इसमें हम पानी डालते हैं, न्यूट्रिएंट्स इसमें खाद होती है। ओके, और जो सन की जो किरणें होती हैं, सूरज की धूप जो, वो भी लगती है, ठीक है। स्टेम्स मीन होता है तना। स्टेम कैरीज फूड एंड वाटर टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। स्टेम क्या करता है? ये खाना मतलब फूड और वाटर लेके जाता है, जो भी इसके पार्ट्स हैं, लीव्स हुआ, फ्लावर्स हुई, फ्रूट्स हुई, इनके अंदर जब जाता है। स्टेम कैरी फूड एंड वाटर टू ऑल पार्ट्स, इसके थ्रू, स्टेम के थ्रू ही सारी चीज़ें जाती हैं। ओके, द स्टेम ऑफ ए ट्री इज कॉल्ड इट्स ट्रंक, जो स्टेम होता है पेड़ का तना, वो तना कहलाता है। ये देख सकते हैं ब्राउन कलर की होती है, मोटी सी, आपके घर के आसपास पेड़ में देख सकते हैं। नेक्स्ट है लीव्स, लीव्स का मीन होता है पत्तियाँ। लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट, पत्तियाँ खाना बनाती हैं। दे आर यूजुअली ग्रीन मतलब प्लांट को लीव्स खाना देती हैं, और ये ना कौन से कलर की होती है? ग्रीन इन कलर, ये ग्रीन कलर की होती है। यहाँ देख सकते हैं डिफरेंट प्लांट्स हैव लीव्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, अलग अलग पौधों की अलग अलग जो है साइज, आकृति और उसका आकार जो होता है, छोटी बड़ी स्मॉल बिग, इस तरीके से होती हैं ये। नेक्स्ट है फ्लावर्स, मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर्स, मोस्ट मतलब ज़्यादातर पौधों में फ्लावर्स होते हैं। फ्लावर्स आर इन मैनी कलर, मतलब अलग अनेक कलर के होते हैं, जैसे कि रेड, ब्लू, पर्पल, पिंक, इस तरीके से शेप्स एंड साइज, स्मॉल बिग, इस तरीके से हो सकते हैं। दे प्रोड्यूस सीड्स, और उनमें से क्या निकलता है? बीज, सीड्स का मीन होता है बीज और फ्रूट्स, और ये फल भी देते हैं। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट फ्रूट्स, सम फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स, कुछ जो होते हैं फ्लावर वो फ्रूट में बदल जाते हैं। फ्रूट्स प्रोवाइड ए कवरिंग फॉर सीड्स, और फ्रूट प्रोवाइड करवाता है बीज मतलब सीड। दे आर मोस्टली फ्लैशी, और ये कैसा होता है? फ्लैशी होता है, जूसी, रस भरा होता है, एंड स्वीट मीठा होता है, लाइक दिस मैंगो, जो मैंगो होता है आम, उसके अंदर सीड निकलती है। ओके, और जैसे कि वाटरमेलन मतलब तरबूज होता है, उसके अंदर भी सीड होता है, और इस तरीके से होते हैं। नेक्स्ट, हाउ डू प्लांट्स ग्रो, मतलब पौधे कैसे ग्रो होते हैं, यहाँ समझेंगे। ओके चिल्ड्रन, मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स,
मोस्ट प्लांट्स ग्रो किस में से होते हैं? बीज में से। ए प्लांट नीड्स एयर, पौधों को किसकी ज़रूरत होती है? हवा की, पानी, वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो, और सूरज की किरणें जब लगती हैं तब ये इसमें से निकलता है पौधा। ओके, यहाँ हम पिक्चर में देख सकते हैं ए सीड ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट। जैसे यहाँ हमने सीड डाला मिट्टी के अंदर सॉइल में, उसमें से निकलेगा छोटा सा प्लांट। जब इसमें बारिश लगती है, सूरज की किरणें लगती हैं, तो ये धीरे धीरे बड़ा होता है और ये इस तरीके से बड़ा हो जाएगा पूरे तरीके से। नेक्स्ट, एवरी सीड हैज ए बेबी प्लांट इनसाइड इट। सभी बीज से क्या निकलता है? एक बेबी प्लांट, मतलब कि छोटा पौधा, बहुत छोटा। ओके, व्हेन द सीड इज पुट इनसाइड द सॉइल, जब हम बीज को इनसाइड द सॉइल मिट्टी में जैसे डालेंगे तो एंड इट्स गेट एयर, जब इसमें हवा लगती है, वाटर पानी लगता है एंड सम सनलाइट, और सूरज की किरणें लगती हैं, द बेबी प्लांट कम्स आउट, तो उसमें से एक बेबी प्लांट निकलता है, मतलब छोटा सा प्लांट, छोटा पौधा। ओके, नेक्स्ट द प्लांट साइकिल। अब हम यहाँ प्लांट साइकिल के बारे में समझेंगे। सीड्स गिव राइज टू बेबी प्लांट। सीड्स का मतलब आपको सभी को पता है बीज होता है, इसमें से एक बेबी प्लांट निकलता है। बेबी प्लांट ग्रो इनटू ए बिग प्लांट, और जब बेबी प्लांट बड़ा होता है तो उससे बड़ा, जब धीरे धीरे ग्रो होता है तो उससे बड़ा पौधा बनता है। बिग प्लांट्स बियर फ्लावर्स, और बड़े पौधों में क्या निकलते हैं? फ्लावर्स होते हैं। फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स, और वो फ्लावर्स जो फूल होते हैं वो फ्रूट में बदल जाते हैं, और फ्रूट्स कंटेन सीड्स फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स ग्रो, और फ्रूट्स जो कंटेंट्स उसमें से निकलता है सीड, ठीक है, और फिर न्यू प्लांट होता है। दिस इज नाउन एज द प्लांट साइकिल। तो ये प्लांट साइकिल है, यहाँ समझेंगे। सबसे पहले होता है सीड, सीड मतलब बीज, जब ये हम सॉइल में डालेंगे मिट्टी में तो उसमें से निकलता है एक बेबी प्लांट। इस तरीके से अंडरस्टूड चिल्ड्रन, जब धीरे धीरे इसमें वाटर सनलाइट एयर लगती है तो ये ग्रो हो जाता है इस तरीके से, फिर ये धीरे धीरे इसमें और लगेगा तो ये बड़ा हो जाएगा प्लांट, और इस तरीके से उसमें से निकलता है फ्लावर, उसके बाद फ्लावर्स आ जाते हैं तो उसमें से निकलता है फ्रूट। ओके चिल्ड्रन, जैसे मैंगो का ले लो, जैसे फ्रूट मैंगो, और उसमें से निकलेगा फिर से बीज, निकलता है सीड, तो ये इस तरीके से होती है साइकिल प्लांट की, जो चलती रहती है। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी दी है, सो 8 या 10 सॉक्ड बीन। आप सैम के बीज ले सकते हैं, 8 या 10 ग्राम सीड्स इन एन आइसक्रीम कप, जैसे छोटे से कप में। चने के बीज भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप, विद सम कॉटन और मूड इन इट, और उसे मिट्टी में डाल सकते हैं। वाटर इट डेली, उसमें पानी डालेंगे, एंड कीप इट इन योर क्लासरूम। यहाँ बताया गया है अपनी क्लास में इस तरीके से रख सकते हैं। व्हाट डू यू सी आफ्टर सम डे, और कुछ दिनों बाद आप क्या देखेंगे? तो आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, हम सीड लेकर के किसी भी चीज़ का मिट्टी में डाल सकते हैं, और कुछ दिनों बाद उसमें से एक बेबी प्लांट हो जाएगा। लेट अस रिवाइज, प्लांट्स आर ऑल अराउंड अस, पौधे हमारे चारों तरफ हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, ये अलग अलग आकृति के आकार के होते हैं, अंडरस्टूड? ये हम रिवाइज कर रहे हैं। बिग एंड टॉल प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, जो बड़े और लंबे पौधे होते हैं वो ट्री कहलाते हैं पेड़। स्मॉल एंड बुशी प्लांट्स, स्मॉल मीन छोटे, बुशी प्लांट यानी झाड़ीदार जो होते हैं वो, एंड आर कॉल्ड श्रब, वो झाड़ी कहलाते हैं। वेरी स्मॉल एंड वीक प्लांट्स आर कॉल्ड हब, बहुत छोटे और वीक पौधे जो कमज़ोर होते हैं वो कहलाते हैं हब, जैसे कि मिंट यानी कोरिएंडर, इस तरीके के प्लांट्स एंड नीड सपोर्ट टू ग्रो आर कॉल्ड क्लाइंबर। क्लाइंबर मीन आपको पहले बताया गया था, ऊपर की तरफ जाने वाली बेल होती है, जिन पौधों को सपोर्ट की ज़रूरत होती है वो क्लाइंबर कहलाते हैं, ऊपर की तरफ जाने वाली, ठीक है। जैसे कि मनी प्लांट, पी प्लांट, इनको ज़रूरत होती है, दीवार के सहारे ही ग्रो होते हैं। नेक्स्ट, प्लांट दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। क्रीपर मीन जमीन में फैलने वाले, जो
ग्रो होते हैं जमीन में, वो जमीन में फैलने वाले होते हैं, बेल लताएं कहलाती हैं। डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव, अलग अलग पौधों की अलग अलग टाइप की पत्तियां होती हैं। मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर, ज़्यादातर पौधों में फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं। मोस्ट फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम, और ज़्यादातर फलों में बीज होते हैं उनके अंदर, लाइक दिस मैंगो वाटरमेलन। इस तरीके से एयर वाटर एंड सनलाइट हेल्प द बेबी प्लांट टू कम आउट ऑफ द सीड। एयर और वाटर, और जब सूरज की किरण लगती हैं तो बेबी प्लांट ग्रो होता है बीज में से। ओके चिल्ड्रन, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आपको समझना है, और इसके हार्ड वर्क करवा दिए थे आपको, वो लर्न करने हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।